वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मुकेश कुमार ने मंगलवार की देर रात योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में दिव्या सिंह के साथ शादी रचा ली। दिव्या बिहार के छपरा की रहने वाली हैं। गोरखपुर के एक रिजॉर्ट में दोनों ने शादी रचाई। क्रिकेटर की शादी की सूचना पर तमाम लोग इनके रिजॉर्ट में इन्हें बधाइयां देने पहुंचे। मुकेश कुमार शादी के लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज से छुट्टी लेकर घर पहुंचे थे। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है। मंगलवार को जब गोरखपुर में मुकेश कुमार की शादी हुई तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर मुकेश कुमार के बारे में, उनकी शॉर्ट लाइफ स्टोरी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल के बेल आइकन को दबा दे, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मुकेश कुमार के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका जन्म 12 अक्टूबर 1993 को काकरकुंड गोपालगंज में हुआ था और 2023 के अनुसार ये फिलहाल 29 वर्ष के हैं। मुकेश कुमार ने अपनी शुरुआती पढ़ाई BM हाई स्कूल गोपालगंज से कंप्लीट किया और उसके बाद की पढ़ाई इन्होंने कमला राय कॉलेज गोपालगंज से ही कंप्लीट किया। वहीं बात करें इनके हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इनका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ कॉमर्स। यदि बात करें मुकेश कुमार के फैमिली मेंबर्स के बारे में, तो आपको बता दें कि इनके पिता का नाम काशीनाथ सिंह है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर थे। कुमार के पिता चाहते थे कि यह सेना में शामिल हो, लेकिन 3 प्रयासों के बाद भी यह एग्जाम पास नहीं कर सके। वर्ष 2012 में इनके पिता ने इन्हें बंगाल जाने के लिए कहा, जहां पर इन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में भी काम किया और अपने फैमिली की आर्थिक मदद की। एक इंटरव्यू में इनके गांव के कोच ने बताया था कि इन्हें क्रिकेट में दिलचस्पी शुरू से थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण यह उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा सके। लेकिन वर्ष 2008-09 में बिहार के गोपालगंज जिले में आयोजित प्रतिभा की खोज में ट्रायल दिया। इन्होंने गेंदबाजी की और 7 मैचों में 34 विकेट हासिल किए। फिर वर्ष 2010 में इन्होंने BCCI द्वारा आयोजित एसोसिएट और एफिलिएट टूर्नामेंट में बिहार अंडर 19 का प्रतिनिधित्व किया। मुकेश कुमार के कोच के मुताबिक, मुकेश कुमार क्रिकेट खेलने के लिए हर दिन 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर एकेडमी जाते थे। मुकेश कुमार के पिता क्रिकेट खेलने के खिलाफ थे, लेकिन इन्होंने अपने पिता के खिलाफ जाकर 400 से 500 रुपये के लिए स्थानीय मैच खेलना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने वर्ष 2015-16 रणजी ट्रॉफी में 30 अक्टूबर को प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया और 2021-22 रणजी ट्रॉफी में इन्होंने 9 पारियों में 20 विकेट हासिल किए। उसके बाद इन्होंने 2015-16 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अपना T20 डेब्यू किया। और दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2019 में जब बंगाल एक ड्रीम सीजन खेल रहा था, तब मुकेश कुमार अपने पिता के स्वास्थ्य के कारण संघर्ष कर रहे थे। वह सुबह ट्रेनिंग करते और शाम को अपने पिता को अस्पताल ले जाते थे। लेकिन वर्ष 2019 में जब मुकेश कुमार बंगाल कैंप में थे, तब इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनके भाई ने इन्हें पिता के निधन की जानकारी दी। मुकेश कुमार के पिता की मृत्यु ब्रेन हेमरेज के कारण हुई थी। इन सभी घटनाओं से उभरने के बाद इनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट वर्ष 2022 में आया, जब IPL में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इन्हें 5.5 करोड़ रुपया देकर अपने टीम में शामिल किया, जहां इनकी बेस प्राइस 20 लाख रुपए ही थी। उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं बात करें इनके इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट डेब्यू 20 जुलाई 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ किया। वहीं इन्होंने वनडे डेब्यू 27 जुलाई 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ ही किया। यदि बात करें इनके T20 डेब्यू के बारे में, तो इन्होंने अपना T20 डेब्यू 3 अगस्त 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ किया। दोस्तों, यदि बात करें इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो आपको बता दें कि यह मैरिड हैं। वहीं इनकी वाइफ का नाम दिव्या सिंह है, जिनके साथ इन्होंने 28 नवंबर 2023 को शादी रचाई। यदि बात करें मुकेश कुमार के नेटवर्थ के बारे में, तो आपको बता दें कि इनका नेटवर्थ है करीब 20 करोड़ रुपए। वहीं बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास एक BMW कार है। तो दोस्तों, यह थी क्रिकेटर मुकेश कुमार के बारे में इनकी शॉर्ट लाइफ स्टोरी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।